हेलो एवरीवन वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक आज हम करेंगे स्टेटस्टिक्स में डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नोली डिस्ट्रीब्यूशन सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी रैंडम वेरिएबल एक्स डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ओवर द रेंज वन टू एन टेट मीन्स रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यू वन टू एन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय अगर किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमें डिफाइन है एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज डिफाइंड एज वन बाय एन फॉर एक्स वन टू अप टू एन अगर हमें किसी भी फंक्शन रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऐसे डिफाइंड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन बाई एन फॉर एक्स वन टू एन वैल्यूज देन द रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नाउ We, it is also called discrete uniform distribution is also called rectangular distribution this is also known as rectangular distribution now we will find out the mean and variance of the discrete uniform distribution so first वी नो डैट मीन इज इक्वल टू म्यू वन डैश मीन को हम यू वन डैश से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाय द फॉर्मूला एक्स स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन क्योंकि ओवर द रेंज वन टू एन डिफाइंड है फॉर एक्स इज वी विल टेक वन टू एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेन एक्स वन टू एन एक्स इंटू में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये हमारा एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है अब इसमें हम एक्स की वैल्यू वन टू एन पुट करके समेशन को खोलते हैं जब एक्स को वन पुट करेंगे तो वन इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल अब एक्स ऑफ एक्स ये हमारे पास डिफाइंड है फंक्शन वन बाय एन के इक्वल तो देखिए वन बाय एन हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो हम समेशन की वैल्यू जब पुट समेशन को खोलेंगे तो वन बाय एन जो है वो समेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है एक्स वन टू एन अंदर सिर्फ हमारे पास एक्स बच जाएगा समेशन के अंदर तो इसको हम अगर समेशन को खोलेंगे फॉर वन टू एन तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन एंड This is the sum of first n natural numbers, and that is equal to sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. So, this is equal to n plus 1 by 2. This is the mean of the discrete uniform distribution, n plus 1 by 2. Now, we will find out the variance, and for variance, first we will find out the second moment, mu 2 dash, that is equal to e of x square. दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स वन टू एन एक्स स्क्वेयर इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा डिफाइन है इस केस में एज हमने ऊपर डिफाइन किया वन बाय एन अब वन बाय एन कॉन्स्टेंट है तो फिर से इसको हम समेशन से बाहर ले, ले लेंगे आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी इसको खोलेंगे समेशन को अब हम इस पर खोलेंगे अगर तो वन बाय एन बाहर एक्स की वैल्यू वन टू एन पुट करें तो वन स्क्वेयर सेकेंड टू स्क्वेयर थ्री स्क्र अप टू एन स्क्यर हमारे पास ये सब वैल्यूज आएंगी और ये है हमारे पास सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एंड दैट इज इक्वल टू वन बाय एन एज इट इज एंड सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स नाउ वी गॉट द म्यू टू डैश एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स नाउ वी विल फाइंड द वेरियंस एंड वेरियंस इज इक्वल टू एंड वेरियंस इज इक्वल टू म्यू टू डेट इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वेयर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर सो ई एक्स स्क्वेयर म्यू टू डैश इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स ई एक्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी मीन की वैल्यू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्र इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट एन प्लस वन टू एन प्लस वन एन प्लस वन थ्रू आउट दोनों में से कॉमन भी आ सकता है तो एन प्लस वन हम बाहर भी ले सकते हैं टू एन प्लस वन बाय सिक्स यहाँ से बच गया और एन प्लस वन एक बाहर गया और टू का स्क्वेयर फोर इसका आप एलसीयम लेंगे तो ट्वेल्व आएगा टू इंटू में टू एन प्लस वन माइनस थ्री इंटू में एन प्लस वन इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको तो फोर एन प्लस टू माइनस थ्री एंड माइनस थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेल्व साथ में एन प्लस वन चल रहा था हमारे पास तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी दिस इज द वेरियंस ऑफ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन एंड वेरियंस ऑफ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नाउ वी फाइंड आउट द मोमेंट जेनेटिंग फंक्शन ऑफ द डि डिस्ट्रीब्यूशन सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज डिफाइंड एज एम एक्स टी दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेस टू पावर टी एक्स एक्सपेक्टेशन की वैल्यू खोलेंगे समीशन एक्स वन टू एन ई ओफ टी एक्स इन टू पी ओफ एक्स एंड पी ओफ एक्स इज डिफाइंड एज अगेन वन बाई एन सो इट बिकम्स जब इसका समीशन खोलेंगे तो वन बाय एन तो समीशन से बाहर आ जाएगा हमारे पास ई ऑफ टी एक्स एंड डेट बिकम्स वन बाय एन ई ऑफ टी प्लस ई ऑफ टू टी ई ऑफ थ्री टी अप टू लास्ट एन पुट करेंगे तो ई ऑफ एन टी एंड दिस इज़ द जी पी सीरीज सम ऑफ ए जी पी सीरीज ऑफ एंड टम्स सो दी विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर जी पी सीरीज द फॉर्मूला इज ए Uh, r raised to power n minus 1 by r minus 1. Sum of n terms of a GP series and we will apply it here e raised to power t, e raised to power n t minus 1 divided by e raised to n t minus 1. So, now here e raised to uh, we apply this formula when our common ratio is less than. Greater than one, then we use the formula for this, and if our common ratio is less than one, then our formula is a into one minus r raised to power n by one minus r. So here the common ratio is e raised to power t, so which is less than one. So here we will use formula this instead of this e raised to power t one minus may e raised to power n t divided by one minus e raised to et this is the answer now so this is the moment generating function of the uh, of the discrete uniform distribution now uh, we will move on to the next distribution that is called bernoulli distribution so bernoulli distribution is defined as a random variable is said to have a bernoulli distribution A random variable is said to have a Bernoulli distribution with parameter p. If its PMF is defined as इट इज़ डिफाइंड ऑन टू वैल्यूज़ वैन एक्स इज इक्वल टू वन एंड वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो वैन एक्स इज इक्वल टू वन दैन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज डिफाइंड एज पी एंड वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो इट इज डिफाइंड एज वन माइनस पी दैट इज इक्वल टू क्यू सो अगर किसी फंक्शन का पी एम एफ हमें ऐसे डिफाइंड है ओनली टू पॉइंट जीरो एंड वन पर वन पर वैल्यू हो पी और जीरो पर क्यू के इक्वल दैन द रेंडम वेरिएबल इज सेट टू हैव बर्नोली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर पी

नाउ वी विल ओपन दिस समेन एक्स जीरो पुट करेंगे तो जीरो इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स को वन पुट करेंगे तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन दिस बिकम्स जीरो एंड वन इंटू में पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन वन पर पी की वैल्यू हमारी है पी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन सो दिस इज इक्वल टू पी एंड दिस इज कॉल्ड द mean of the bernoulli distribution p is the mean of the bernoulli distribution now we will find out the second moment that mu2 dash and for that mu2 dash mu2 dash ke liye e that is equal to e x square समेन एक्स जीरो टू वन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि एक्स की वैल्यू दो पर ही दो पॉइंट्स पर डिफाइन है जीरो एंड वन पर एक्स स्क्वेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब हम इसका समेन खोलेंगे जीरो स्क्वेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस वन का स्क्वेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन सो इट बिकम्स जीरो एंड दिस पार्ट बिकम एक्स इज इक्वल टू वन पर वैल्यू है पी देन अगेन म्यू टू डैश अगेन कम्स P. Now we will find out the variance of X and variance of X mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash square and that is equal to p mu1 dash ki value bhi p hai p ka square that p common le, le 1 minus 1 by 1 p into 1 minus p and 1 minus p is equal to q so variance becomes p into q. Now we will find out the moment generating function. ऑफ़ द बर्नॉली डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज डिफाइंड एज एम एक्स टी दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू टी एक्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम जीरो टू वन ई ऑफ टी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स समीशन ओपन करेंगे तो ई टी इंटू जीरो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो plus e of t into 1, p of x is equal to 1 and this becomes e raised to power 0 that is 1 and p of x is equal to 0 that is defined as q in the statement plus e t p of x is equal to 1 is defined as p so the answer becomes q plus p into e raised to power t this is the moment generating function of the bernoulli distribution so friends today we have completed two important distributions discrete uniform distribution and moment uh, and bernoulli distribution in the next video we will do the binomial distribution which is very much important topic in the statistics and वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेज़ सो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें सो so, अगर आपको मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई चैनल थैंक यू वेरी मच